7 लाख की बड़ी रैलियां करी और इस सरकार का एक परिणाम है कि सरकार ने 50,000 का कर्जा माफ किया, स्टेट हाईवे को टोल मुक्त किया, 1 लाख किसान के बेटों को नई नौकरियां निकाली और मुफ्त बिजली की घोषणा चुन आचार संहिता से 3 घंटे पहले फ्री बिजली की घोषणा करी और स्वामीनाथन आयोग की आंशिक रिपोर्ट सरकार ने लागू करी। मैं आपके लिए संघर्ष कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर पिछले 15 साल से और विश्वविद्यालय में जब राजनीति करता था तभी किसान के बेटे को लड़ता था और अलवर से भी किसान के बेटे उस समय मेरा सहयोग करने के लिए आते थे। मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूँ कि जयपुर की धरती पर 29 तारीख को कांग्रेस बीजेपी का दिमाग ठीक करना है, हमें ऐसा जोश दिखाना है कि दिल्ली झुक जाए और प्रधानमंत्री राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करे, स्टेट हाईवे टोल फ्री के पूरे टोल मुक्त राजस्थान हो, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, हर खेत को सिंचाई का पानी मिले और अलवर के अंदर स्पेशल कॉरिडोर के नाम से जो जमीन वापस की जा रही है किसानों की, उन जमीनों के लिए भी मैं विश्वास दिला के जा रहा हूँ, मैं आपके लिए लड़ूंगा, निश्चित है आपकी जमीन है, इस तरह ओने पौने दामों में सरकार को नहीं लड़ने के, इतना भरोसा आपका भाई आपको दिला के जा रहा है। आप सब को आना और एक नया संदेश पूरे देश के अंदर देना है और ये रैला देश का सबसे बड़ा रैला होना चाहिए। 36 कौम के किसान इस रैली में आमंत्रित, नई पार्टी की घोषणा भी करेंगे और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घर बिठा के किसानों की सरकार राजस्थान के अंदर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।